अस्सलाम वालेकुम। साइमा किचन में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज मैं लौकी का हलवा बना रही हूँ। मैं अपने तरीक़े से बना रही हूँ, इस तरीके से बनाकर देखें। 1 किलो लौकी लेकर हूँ, इसे काट कर बॉईल कर लेंगे। इसमें दूध डालकर, इलायची पाउडर डालकर इसे बॉईल करना है। लौकी का हलवा बना रही हूँ मैं, लौकी यानी कद्दू, कद्दू का हलवा बना रही हूँ। इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ और इलायची पाउडर, 1 स्पून इलायची पाउडर डाल रही हूँ। 1 पाव लीटर दूध ऐड कर रही हूँ। और इसमें इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये डालकर अब इसे बॉईल करने तक रखें। इसमें बॉईल हो चुका है ये, अब इसमें डालकर इसे मैश कर लेंगे। आप मिक्सी में भी कर सकते हैं, इसमें मोटा मोटा ड्राई चाहिए इसलिए मैश करके। इसमें घी डाल रही हूँ, 2 स्पून घी ऐड कर रही हूँ। गरम हो चुका है ये, मैश करके इस तरह से लौकी को मैश करके रखी हूँ। लौकी का हलवा बना रही हूँ। अब इसमें डाल देंगे जो लौकी डालकर बॉईल किए थे, इसमें दूध था ना, उसके दूध में ही मैं रंग मिलाई हूँ, फूड कलर, ग्रीन कलर, वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ। भी ऐड कर रही हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से, स्वीट कितना खाते हैं उसमें शुगर ऐड करें। अब लिक्विड पे ऐड कर रही हूँ, देखकर शुगर ऐड करें, शुगर भी ऐड कर रहे हैं, मिल्क में देखकर अपने हिसाब से ऐड करें। मिक्स होने देंगे। मिक्स होने पर डालने का इलायची पाउडर डाल रहे हैं। इसको प्लेन केक है जो इसमें ऐड करें, आपको ठीकनेस आएगा और टेस्टी, बहुत टेस्टी लगेगा। मिल्क मेटर के बाद ये केक, प्लेन केक ऐड करने पर इसका टेस्ट देखिए, इस तरीके से बनाकर बहुत टेस्टी आएगा। इसमें मैं 1 कटोरा अमूल पाउडर, अमूल मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। खवे का टेस्ट आता, ये डालकर इस तरीके से खीर बनाकर देखें, बहुत टेस्टी होती है। लौकी का हलवा भी बोल सकते हैं, खीर भी बोल सकते हैं, आप जो चाहें इसे नाम दे सकते हैं। 1 किलो लौकी है ये, 1 किलो लौकी के लिए 1/2 कटोरा शुगर और अपने टेस्ट के अनुसार मिल्क मेड डालें। शुगर ज़्यादा, मीठा ज़्यादा खाना है तो मीठा ऐड करें, नहीं तो 1 स्पून डाल सकते हैं, 1-2 स्पून। मिक्स हो चुका है, इलायची पाउडर बॉईल करने टाइम भी डाल चुकी हूँ, अब थोड़ा इलायची पाउडर ऐड करें। अब ये रेडी हो चुका है डिश आउट के लिए। रेसिपी अच्छी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।